नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, कोई घर खरीद रहा है जेवर बेचकर। जी हां दोस्तों, ये शब्द मैंने उन लोगों के लिए बोले हैं जिन लोगों के लिए घर, जमीन और प्रॉपर्टी केवल एक बिजनेस बनकर रह गया है, मगर एक आम इंसान जो रहने के लिए एक छत ढूंढ रहा है उसे रहने के लिए एक छत तक नसीब नहीं हो रही। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि शहरों में मकान की चाह रखना एक आम इंसान के लिए एक सपने जैसा हो गया है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब बहुत से फौजी भाई मुझे फ़ोन पर ये कहते हैं कि हमारे पास मकान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए जितना हो सके सस्ता विकल्प बताइए। अब आप ही सोचिए, जब सरहद पर सुरक्षा करने वाले जवान को घर नसीब नहीं हो रहा है तो लानत है हम पर। इसलिए आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा जिससे एक आम इंसान को भी छत नसीब हो। और इसकी शुरुआत मैं करूँगा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर MU2 से, जहाँ आप 1 BHK का फ्लैट मात्र 12 लाख रुपये में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं रिव्यू MU2 के इन फ्लैट्स का। सेक्टर MU2 ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर में से एक ऐसा सेक्टर जहां आप अफोर्डेबल हाउसिंग के विकल्प तलाश सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा बिल्ट 1 BHK फ्लैट। और ये सभी फ्लैट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पिछली कई स्कीम्स में निकाले थे और अब ये सभी फ्लैट रीसेल में अवेलेबल हैं। अगर बात करें इस सेक्टर की कनेक्टिविटी की तो अफोर्डेबल होने के कारण MU2 सेक्टर के ये फ्लैट्स परी चौक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर रोड से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। और यदि आप NCR के दूसरे रीजन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कट यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मेट्रो का डिपो स्टेशन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो यहाँ पर सबसे नज़दीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अथॉरिटी के इस सेक्टर में हजारों की तादाद में फ्लैट मौजूद हैं, जहाँ ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर के 1 BHK फ्लैट हैं और इनका साइज 320 स्क्वायर फीट है और मीटर में लगभग 30 मीटर है। इस फ्लैट में आपको एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक टॉयलेट और एक बाथरूम मिलता है। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का फ्लैट होने के कारण इसकी कंडीशन आपको रॉ ही मिलेगी और थोड़ी बहुत फिनिशिंग तो आपको इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत से लोगों को इसको अंदर से भी देखने की इच्छा जगे, तो चलिए इस 1 BHK फ्लैट का लेआउट अंदर से भी देख लेते हैं। फ्लैट में एंट्री करते हैं इसके ड्राइंग रूम से, जिसमें आपको एक विंडो भी मिलती है। ड्राइंग रूम के साथ में ही आपको एक छोटी सी किचन भी मिलती है, जिसमें एक स्लैब भी पड़ा है और किचन में भी आपको एक विंडो मिलती है। और किचन के अपोजिट साइड में आपको एक टॉयलेट और एक बाथरूम मिलता है। और इस फ्लैट में आपको टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड ना मिलकर अलग अलग मिलते हैं। अंत में आता है इसका बेडरूम। और बेडरूम में भी हमें एक विंडो मिलती है और इस बेडरूम में आपको एक अलमीरा का भी प्रोविजन मिलता है। मगर हाँ, इस फ्लैट में हमें कहीं भी बालकनी देखने को नहीं मिलती। ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर्स में आने के कारण अभी ये सेक्टर डेवलपिंग स्टेज पर है और अभी आपको यहाँ पर काफ़ी बेसिक एमिनिटीज़ की असुविधा भी मिलेगी, मगर जैसे जैसे अथॉरिटी को यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाई देगी आपको यहाँ डेवलपमेंट की स्पीड भी तेज़ होती नज़र आएगी। अभी अथॉरिटी ने अलग अलग सेक्टर में शॉप्स और लोकल मार्केट के लिए स्कीम भी निकाली है, जिसके कारण जो सेक्टर अब डेवलप हो रहे हैं उनमें कम से कम मार्केट और बेसिक एमिनिटीज़ की सुविधा सेक्टर के अंदर ही हो। इस सेक्टर के आसपास आपको काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलते हैं,
जिसके कारण भविष्य में इन फ्लैट्स में काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में जॉब करने वाले लोग अक्सर सस्ते विकल्प ही तलाशते हैं और इससे सस्ता विकल्प ग्रेटर नोएडा में नहीं मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर ग्रीनरी की, तो सेक्टर के चारों ओर आपको अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ सोसाइटी के बीचों बीच आपको यहाँ तीन बड़े बड़े अथॉरिटी के पार्क भी देखने को मिलेंगे, जो बिल्डर सोसाइटी से कहीं बड़े और अच्छे मेंटेन्ड हैं, जहाँ आप मॉर्निंग वॉक के साथ साथ बच्चों के साथ खेलने का भी आनंद ले सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये पूरी सोसाइटी गेटेड है और इसकी एंट्री पर भी आपको सिक्योरिटी गार्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट्स होने के चलते आप इन फ्लैट्स पर लोन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन फ्लैट्स के प्राइस की, तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेते हैं तो वो ऊपर के फ्लैट के मुकाबले 1,00,000 रुपये महंगा आता है, क्योंकि इन फ्लैट्स में लिफ्ट नहीं है। तो यदि किसी के बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको ऊपर के फ्लैट्स में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स यहाँ 13,00,000 तक आते हैं और ऊपर के फ्लैट्स लगभग 12,00,000 तक में मिलते हैं। अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप रहने के लिए एक अफोर्डेबल घर देख रहे हैं जिसमें आपको सभी सहूलियत मिलें, तो आप इस फ्लैट को मात्र 12,00,000 रुपये में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, मगर रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र का खर्चा तो आपको इसमें भी अलग से ही देना पड़ेगा। लेकिन इन फ्लैट्स को अभी इन्वेस्टमेंट के लिए लेने के लिए भूल कभी ना करें, क्योंकि बहुत से लोग केवल सस्ती प्रॉपर्टी देखकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और इस लोकेशन पर भी अभी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। जय हिंद।